ओल्ड मर्सिडीज सुपर कार रिस्टोरेशन। बबन और सुरेश चाय की टपरी पर चाय पीते पीते बात कर रहे थे, तब बबन सुरेश से कहता है, अरे यार मुझे किसी सेकंड हैंड कार वाले का पता बता, मुझे मेरी पत्नी के लिए कार खरीदनी है। अरे आज अचानक कार खरीदने के बाद दिमाग में आई तो आई कैसे, कोई खास बात है क्या? अरे हाँ रे, बीवी का जन्मदिन है आज, बस उसे खुश करना है तोहफा देके। इस तरह सुरेश बबन को लेकर एक सेकंड हैंड कार शॉप में जाता है, जहां से बबन एक ओल्ड मर्सिडीज खरीदता है और उसे लेकर वो घर आता है। बबन अपनी पत्नी को जन्मदिन का सरप्राइज देता है। घर के सामने मर्सिडीज देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, ये मर्सिडीज, ये क्या मेरे जन्मदिन का तोहफा है? मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए लाए ये मर्सिडीज, आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच बबन। बस बबीता, ये नई नहीं है, सेकंड हैंड खरीदी है, अभी के लिए इसी में संतुष्ट हो जाओ, बाद में तुम्हें नई कार दिला दूंगा। अरे कैसी भी हो पर है तो हमारी ना, और ये ओल्ड मर्सिडीज नए मर्सिडीज से भी अच्छी लग रही है। बबन बबीता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसका जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाता है। दूसरे दिन वो सभी मर्सिडीज से घूमने जा रहे थे कि तभी अचानक से मर्सिडीज का एक्सीडेंट होता है, जिसमें बबीता की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद से बबन कोई भी कार नहीं खरीदता और ना ही घर में किसी को खरीदने देता है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। बबन का पोता अब बड़ा हो चुका था। एक बार वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आप पुरानी बात लेकर कब तक हमें ऐसे कार खरीदने से रोकते रहोगे? अपने मन का ये डर निकाल दो, मेरे सारे दोस्तों के पास कार है और मैं भी अब नई कार लेना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, कह दिया ना इस घर में कोई कार नहीं आएगी, मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना है वो करो, समझे? लेकिन जीते जी इस घर में कोई कार नहीं आएगी। इस तरह बबन रोहित को गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तब रोहित मन ही मन में सोचता है, अब तो मुझे वही पुरानी मर्सिडीज ढूंढ कर लाना चाहिए, दादाजी को उनके डर से बाहर लाने का यही एक तरीका है, वो जब अपनी मर्सिडीज में बैठेंगे तभी तो उनके मन का डर चला जाएगा। इस तरह रोहित बबन की मर्सिडीज को ढूंढने लगता है। एक्सीडेंट के बाद मर्सिडीज को बबन ने जंगल में फेंक दिया था, तब से वो वही पड़ी हुई थी। रोहित जंगल में मर्सिडीज को ढूंढ लेता है और वो कहता है, ये रही मेरे दादाजी की मर्सिडीज, लेकिन ये कितनी खराब हो चुकी है, जंग तो देखो कैसे चढ़ गया है इस पर। इस तरह रोहित बबन को बिना बताए वहीं पर ओल्ड मर्सिडीज का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। वो सारे पुराने पार्ट्स को अलग अलग करके नए पार्ट्स लगाता है और ओल्ड मर्सिडीज को नई मर्सिडीज सुपर कार में बदल देता है। उस कार को लेकर दादाजी के पास वो जाता है। मर्सिडीज को देखकर बबन को बबीता की याद आती है और साथ साथ रोहित पर गुस्सा भी। गुस्से से लाल पीला होकर बबन रोहित से कहता है, तुम आखिर इस मनोज कार को घर में क्यों लेकर आए, और मैंने कहा था ना कि कोई भी इस घर में कार नहीं चलाएगा, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? दादाजी एक बार इस कार को अच्छे से तो देखिए, देखिए मैंने इस ओल्ड मर्सिडीज कार को कैसे सुपर कार में बदल दिया है, दादी जी को याद करो और चलो मेरे साथ, हम इसमें घूम कर आते हैं। रोहित की बात सुनकर बबन अपनी ओल्ड मर्सिडीज को अच्छे से देखता है और उसका नया बदला हुआ रूप देखकर वो कहता है, बेटा सच में तुमने इस मर्सिडीज को कितना बदल दिया है, तुम्हारी दादी की मनपसंद कार थी बेटा ये, पर उसे इस कार ने ही खा लिया, आज अगर वो जिंदा होती तो बहुत खुश होती बेटा। ऐसे कहते हुए बबन रोने लगता है। रोहित इसी बात का फायदा लेते हुए बबन को कार में बिठाता है और उन्हें घुमाने लेकर जाता है। बबन को कार में घूमने से अब अच्छा लग रहा था, उसका सारा गुस्सा भी चला गया था कि तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। वो चोर के कार का पीछा कर रहे थे। सायरन सुनकर रोहित कहता है, अरे दादाजी लगता है कोई चोर भाग रहा है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, चलिए हम पुलिस की मदद करके चोर को पकड़ते हैं। हाँ हाँ बेटा चलो स्पीड बढ़ाओ और आगे चलकर इन चोरों को पकड़ते हैं, चलो जल्दी से। ये हुई ना बात दादाजी, तो चलो चले। ऐसा कहकर रोहित अपनी मर्सिडीज सुपर कार की स्पीड बढ़ाता है। वो इतने तेज भागने लगती है कि कुछ ही पलों में वो चोरों के कार के सामने आ जाती है, जिस वजह से चोर अपनी कार को रोक देते हैं। चोर भागने ही वाले रहते हैं कि तभी बबन और रोहित उन्हें पकड़ लेते हैं। तब तक पुलिस भी वहां आकर पहुंचती है और चोर को पकड़ लेती है। पुलिस कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से कई दिनों के बाद ये चोर हमारे हाथ में आए हैं। वैसे तुम्हारी इस मर्सिडीज सुपर कार की बात ही कुछ और है,
हाँ क्यों ना हो, दादाजी की जो है। देखा दादाजी, आप बेवजह इतने दिन इस कार से दूर रहे, देखा आज इसकी वजह से हमने कितना बड़ा काम किया। इस तरह बबन रोहित को शाबाशी देता है और अपने पोते के साथ मर्सिडीज सुपर कार से घूमते हुए अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेता है। तीन जादुई गाड़ियां। रमेश, सुरेश और नरेश नाम के तीन दोस्त एक गांव में रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा घूमना और झूठी बातें बोलकर लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम वो करते थे। उनके इस बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से उन्हें सारे गांव वाले फेकू राम की तिकड़ी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक बार वो तीनों गांव के चौराहे पर जमा लोगों से बात करने जाते हैं। तब तीनों दोस्तों में से रमेश कहता है, अरे काका, हम तीनों के पास जादुई गाड़ियां है जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ काका, अगर आपको उसमें से पैसा, सोना या हीरे चाहिए होंगे तो आपको हमें बस 10,000 रुपए देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ जाता है और वो उनको पैसे ही देने वाला होता है कि तभी एक औरत वहाँ आती है और वो कहती है, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है। काका आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से नरेश उन्हें कहता है, अरे ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी वो औरत उनसे कहती है, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते, और वैसे जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन तीनों ने कही हुई जादुई गाड़ी की बातें उनके पूरे गांव में फैल जाती है। साथ साथ गांव के पास में एक जंगल रहता है और उस जंगल में रहने वाला एक गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल जाती है और वो कहता है, कैसे भी करके वो तीनों जादुई गाड़ियां हमें हासिल करनी होगी, उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जादुई गाड़ियां चुराने के लिए गब्बर अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है और उसी रात को वो गांव पर हमला करता है। गब्बर उन तीनों लड़कों को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो जादुई गाड़ी के बारे में उनसे पूछता है तब उनमें से रमेश कहता है, गब्बर जी हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई गाड़ी नहीं है, हमने तो यूं ही लोगों को पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई गाड़ी नहीं है। क्या कहा, तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाह थी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन यहाँ तक आया हूँ मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों से कहकर गांव के सारे घरों को लूटने के लिए कहता है। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर चुरा कर वहाँ से चला जाता है। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। दूसरे दिन उन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया जाता है। तब गांव वाला कहता है, आज इन तीनों की वजह से हम सब लूट गए, इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो, मेरे सारे पैसे और जेवर इन तीनों की वजह से वो गब्बर चुरा के ले गया। गांव वालों की बातें सुनकर सरपंच उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। बेचारे तीनों भी गांव से निकलकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन जंगल से चलते चलते उन्हें बीच रास्ते में ही एक साधु जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। रमेश कहता है, अरे देखो यहाँ कोई साधु बाबा पड़े हुए है, जख्मी हालत में है, लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ हाँ चलो हम इन साधु बाबा की मदद करते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा को उठाकर वो एक पेड़ के पास रख देते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाते हैं। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ जाते हैं। साधु बाबा एक अंतर्यामी रहते हैं, उन तीनों की तरफ वो बड़े ध्यान से देखते हैं और वो सारी बात समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। साधु बाबा कहते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी अब वो सच हो जाएगी। पर बाबा आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से ही हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे और जब उन्हें कुछ नहीं मिला उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब वो तीनों भी साधु बाबा से माफी मांगते हैं।
और आज के बाद ऐसी कभी भी किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस तरह का वचन देते हैं। तब साधु बाबा उन तीनों को तीन जादुई गाड़ियां देते हैं और कहते हैं, बच्चों आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन जादुई गाड़ियों से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। पर हाँ, इन गाड़ियों का जादू बस पूनम की रात में ही होगा। अच्छी तरह से समझ गए ना? लेकिन मैंने जो कहा, इन जादुई गाड़ियों की बात कभी भी लोगों में मत फैला देना, नहीं तो सच में गब्बर आकर तुम्हारी ये गाड़ियां ले जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। उन जादुई गाड़ियों से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर वो तीनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो तीनों भी पैसा, सोना और हीरे गाड़ियों में भर कर गाँव में जाते हैं और गाँव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट देते हैं। इस तरह से रमेश, सुरेश और नरेश बाकी के दिन गाड़ियां चलाकर खुद के लिए पैसे कमाते हैं और पूनम की रात में से जो भी पैसा, सोना और हीरे मिलते वो उन्हें गरीबों में बांटने लगते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगते हैं।